रफीकाने गिरामी, अब एक बात आप याद रखिए, जरूरी नहीं है कि कयामत की जितनी अलामतें हों सब अलामतें गुनाहों से लबरेज और गंदगियों पर मुश्तमिल हो। जरूर ये बात है कि ज्यादातर अलामतें वही मिलेंगी जिनमें आदमी की बेरारवी मिलेगी, वरना मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत की एक अलामत की तरफ इस तरह भी इशारा फरमाते, बुइस्तु वत्ताअतुका हातैन, मैं और कयामत एक साथ यूं। ये दोनों उंगलियां सरकार ने मिलाकर यूं दिखाई। बताओ कयामत की ये पहली अलामत मेरे आका सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद। इसीलिए फरमाते हैं अनल आकिद, सबसे आखिरी मैं हूं, अनल खातिम, सारे अंबिया का खत्म और अंबिया की फिरिस्त पर मुहर मैं। फरमाते हैं, फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना खातमुन नबी जीन ला नबी जबादी, मैं आखिरी नबी हूं। फरमाते हैं नबियों का मैं खातिम हूं, यानी ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी ना आएगा। जब नबी ना आएगा तो इस नबी का दौर कयामत तक चलेगा। कयामत भी लाजिमन आनी और कयामत और रसूल पाक के दरमियान कोई नबी पैदा ही नहीं हो सकता, अल्लाह ने मुहाल कर दिया इसको। फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। फरमा दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मैंने मुकम्मल कर दिया, तो अब किसी और नबी के पैदा होने की क्या राह है, इसलिए दीन मुकम्मल हो चुका। तो मेरे आका आखिरी, फिर अब और मैं आपको बताऊं, ये सब अलामतें जलजला तूफान मौतों की कसरत बदकारियों का रिवाज और इल्म का उठ जाना शराब का ढल्ले पड़ल्ले से पीना और नशे में छूटना, ये सब अलामतें कयामत की हैं। और कत्लो खूनरेजी का बाजार नहीं बल्कि मेला लग जाना, ऐसा हाल कि देखो मुसलमानों के कत्ल खूनरेजी, ये दाइश है, ये तालिबान है, ये लश्कर तैबा है, ये अलकायदा है, ये फला है, ये फला है, ये मुसलमानों ही के नाम पर तो पलते हैं। और किसको दबा करने, क्या एक कंकरी इनमें से किसी ने इसराइल पर फेंकी, एक कंकरी फेंकी इसराइल पर, मगर मुसलमानों पर कितनी गिरी, बिजलियां बरसी। ये कयामत की अलामत जो मेरे आका ने बताया। फिर निजाम आलम अथल फतल होना के ये पसमादा कौमें उठेंगी, अंतरल हुफातल उराता रिआशाई वल इबलिल बुहमि यततावलूना फिल बुनियान, वो चरवाहे जो नंगे पांव नंगे जिस्म इधर उधर डंडा लेकर जानवरों को हकाते थे
उनको देखो ये दुनिया अथल पतल हुई कि नहीं। तुम देख रहे हो शाही महलात में फख्रो मुबाहत कर रहे। फरमाया मेरे आका ने कयामत के करीब माल पानी की तरह बहेगा, यहां तक कि औरत मक्के से सनआ तक सोने का एक टुकड़ा उछालती हुई चली जाएगी और कोई पूछने वाला ना। फरमाते हैं मेरे आका उठाओ बुखारी शरीफ, ऐ लोगों अपनी ज़कातें जल्द से जल्द अदा करो कि वक्त वो वक्त ना आ जाए, वो वक्त कहीं आने वाला है वो ना आ जाए कि तुम किसी आदमी के पास ज़कात लेकर के पहुंचोगे तो वो कहेगा अगर सुबह लाए होते तो मैं ले लेता, उस वक्त मैं फकीर था, अब तो मैं खुद तुम्हें मालदार बना। ये पानी की तरह दौलत पाएगी। या रब्बल आलमीन हम लोग अपने बचपन में उतना पैसा देख ना पाए थे, वैसे कपड़े देख ना पाए थे, वैसे मकानात देख ना पाए थे, जब इन बूढ़ी ऑपरेशन आंखों ने सब कुछ देखना शुरू कर दिया है? क्या हाल है, दुनिया अथल पतल हुई जा रही है, देख रहे हैं? मगर ये मुसलमान है, इसकी आंख नहीं खुलती। अब ख्वाबे गफलत से कब बेदार होगे? अब क्या इंतजार है सैयदना इमाम महदी ही अलामत बन करके आए? ये भी एक नेक अलामत। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे आका की हदीस बुखारी मुस्लिम में पढ़ो, इरशाद फरमाते हैं कैफ बिकुम इज नज़ल फीकुम इब्नु मरियम व इमामुकुम मिनकुम, क्या शान होगी उस वक्त तुम्हारी जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा, या ये कि वह इमामुकुम फीकुम और तुम्ही में होकर वो तुम्हारी इमामत करेंगे, यानी वो दीने ईसवी पर रहकर नहीं बल्कि दीने मुहम्मदी पर का ऐलान करते हुए ईमान वो इमाम बनेंगे। ये दोनों माने हदीस के होते हैं, ये दोनों मैंने तुमको बता दिए। या तो इमामत नमाज की इमामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे या हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो करेंगे जो करें। और अगर इमामत से मुराद इमामत कुबरा है तब तो उस वक्त पहले इमाम इमाम महदी होंगे, फिर उनकी रहलत के बाद सैयदना ईसा अली सलाम इमाम बनेंगे, यानी खलीफतुल मुस्लिमीन, ये इमामत कुबरा कहलाता है। खिलाफत उज़्मा ये जो है इसी को इमामत कुबरा कहते हैं। तो इस तरह पर क्या शान होगी तुम्हारी। अब मुझे कहना है इतनी अलामतें मैंने आपको सुनाई, वक्त ज्यादा लगा हो या कम, अभी मेरे सीने में जो महफूज आए उसको बयान करने का वक्त नहीं, मगर इतना जो बयान किया तो अकलमंद के लिए थोड़ा भी काफी होता है। अगर आपके पास अक्ल है तो इसके बाद वहुम फी गफलत मुअरिदून, मुंह मोड़ मोड़ कर गफलत में कैसे पड़े हुए हो, अब से बेदार हो जाओ। इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलत मुअरिदून, ये अल्लाह का फजल व करम है कि उसने ये वादा कर लिया है कि खुरूज दाबतुल अर्द तक
इस्लाम का सच्चा मजहब।